और सिख समुदाय से आने वाले पुरुष बंदी ने भी छठ का अनुष्ठान किया। जेल प्रशासन की ओर से छठ पूजा को लेकर व्यवस्था की गई थी। जेल परिसर में बने तालाब में खड़े होकर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। कुल मिलाकर 126 लोग कर रहे हैं, जिसमें 62 फीमेल और 64 मेल हैं। इसमें गौरतलब बात यह है कि दो मुस्लिम भी कर रहे हैं, जिसमें एक महिला मुस्लिम और एक पुरुष मुस्लिम है, और साथ में एक पुरुष सिख बंदी है, वो भी प्रथम बार जेल में छठ पूजा का उपवास रखा है और श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है। छठ महापर्व के तीसरे दिन शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में 126 बंदियों ने छठ पर्व किया है। उस बंदियों में एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम पुरुष और एक सिख व्यक्ति शामिल हैं। जेल प्रशासन की ओर से सभी तरह की व्यवस्था की गई थी, उन्हें प्रसाद से लेकर कपड़े वगैरह सभी तरह की व्यवस्था की गई थी। बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल में इस कार्य को अंजाम दिया गया और सभी ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, डीडी न्यूज़।